एस डी एस यू बी बी एड 2022, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग जो आपकी डेट आई थी 25 नवंबर 2022, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। और काफ़ी मैं क्वेरी पढ़ रहा हूँ अभी भी कि बच्चे यहाँ पे डाउटफुल में हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज है उसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे जो कट ऑफ है जारी हुई है कि नहीं हुई है, कितने तक बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिला है, क्या नहीं मिला है, वो आज मैं सारी आपके इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, मैं आपको बाद में वीडियो में डिस्कस करूँगा। और काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर मुझे नंबर प्रोवाइड कर दो, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके जो सपने हैं उनसे आपका काम नहीं चलने वाला, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको पेशेंस बिल्कुल रखना पड़ेगा। जो आप में से काफ़ी स्टूडेंट पेशेंस बिल्कुल नहीं रख रहे हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग और काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आपको होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है, मैं वादा करता हूँ जो भी बात आपको बताऊँगा जेन्युइन बात बताऊँगा और जितना भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो आपको होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो आज की जो नोटिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ, जो नोटिफिकेशन है आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग। इस वीडियो का क्रेडिट मैं आकांक्षा जी को देना चाहूँगा, गोपेश्वर की स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यालय देश में देख सकते हैं आप, साथ साथ मैं पढ़ के यहाँ पर बता रहा हूँ। श्री सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध समस्त राजकीय अशासकीय महाविद्यालयों स्वपोषित संस्थानों में बीएड सत्र 2022-24 में प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात वरीयता सूची जारी की जा चुकी है। वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, मैं बाद में बताऊंगा क्या उपलब्ध है कि नहीं है, आप खुद उस चीज़ को देख लेना। तथा एक प्रति संबंधित संस्थान को भी प्रेषित की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा बीएड सत्र 2022-24 में प्रवेश की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 25 नवंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। अथा संबंधित महाविद्यालयों ऑब्लिक संस्थान उक्त निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराते हुए विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। देखो ये यूनिवर्सिटी के हाल है, नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दी और ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन मुझे एक स्टूडेंट आकांक्षा जी ने दी है और मैं आपको बताना चाहूँगा। आप बोलोगे कि ये सर ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिली है, और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट जो सीट्स में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका आज लास्ट मौका है एडमिशन के लिए, आज के बाद उनका एडमिशन नहीं होगा गवर्नमेंट सीट में। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग कि जो उनकी मेरिट लिस्ट है चाहे वो सेमी गवर्नमेंट की हो स्टेट कोटा की हो, क्या उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि कितने कट ऑफ तक पहले कट ऑफ गई है, ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये नोटिफिकेशन जो आपने पढ़ी है यहाँ पे मैं श्री सुमन की ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में आज की जो डेट है 10 तारीख है, लेकिन कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ में कोई भी नोटिफिकेशन उन्होंने बी एड के रिगार्डिंग नहीं डाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आप बी एड एच डी एच यू बी एड की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो जो लास्ट यहाँ पे है क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पुराना नोटिफिकेशन आपका एडमिशन के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो एड काउंसलिंग आपकी हुई थी वो इन्होंने डाली है। तो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के कितने बुरे हाल है, लिखने के लिए तो इन्होंने लिख दिया, मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ पढ़ सकते हैं, वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, मतलब क्या बोले इन्हें के लिए, मतलब कुछ भी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। तथा एक प्रति संबंधित संस्थान को प्रेषित की जा रही है, लेकिन अभी तक जो ये जो इन्होंने लिखा है कि जो लिस्ट है आपकी वो आपके कॉलेजेस अलॉटेड हुए उनको प्रोवाइड कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेमी गवर्नमेंट की कोई भी लिस्ट यहाँ पे अभी तक जारी नहीं हुई है। लगातार 2 दिन से अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से और अपने टीचर्स यादव सर से बात कर रहा हूँ, बार बार उनको इस चीज़ के लिए मतलब परेशानी बोल सकता हूँ मैं, बार बार उन्हें कह रहा हूँ कि सर आया। उनका कहना है कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने उनको प्रोवाइड नहीं किया है। साथ ही साथ आपकी जो मेरिट लिस्ट है उनको प्रोवाइड नहीं किया है, जो मैं उत्तरकाशी आरसीपीजी कॉलेज के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कोई भी मेरिट लिस्ट उनको अनाउंस नहीं किया। डाक पत्थर वाले भी यही यहाँ पे कंफ्यूज है, और चाहे वो कोटद्वार वाले हो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है जिनको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिली है या स्टेट कोटा की मिली कि सर कट ऑफ कितनी गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप वेट करो, क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट है उनकी जो एडमिशन की डेट है आज लास्ट होने वाली है। आज मे भी क्या बताओ वो जो कट ऑफ है जो
सारे लिस्ट है, कॉलेजेस को पर्टिकुलर कॉलेजेस को प्रोवाइड यूनिवर्सिटी कर दें या वेबसाइट पे भी अपलोड कर दें। जैसी भी कुछ अपडेट आएगा मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 25 तारीख बहुत है, अभी 3 सप्ताह की बात है, तो आप 2 सप्ताह अभी बाकी है, तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज यूनिवर्सिटी आपका जो रिजल्ट कि जो मैरिट लिस्ट है वो पर्टिकुलर कॉलेजेस को प्रोवाइड नहीं करती है, साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है कि हमने कॉलेजेस को दे दिया है, मैं अपनी कॉलेजेस से दोबारा बात करूंगा, जैसे कुछ भी यहाँ पे कॉलेजेस वालों को लिस्ट प्रोवाइड करेंगे मैं कल के वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर नहीं आती है मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कल यूनिवर्सिटी से पूरा गुस्सा इसके रिगार्डिंग निकालूंगा, चाहे वो मुझे उसके लिए रिगार्डिंग मुझे कुछ भी सुनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो स्टूडेंट मुझे नंबर के लिए बोल रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लो, मैंने नंबर बेशक कल की वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर लो, आज जो लास्ट जो काउंसलिंग है ये गवर्नमेंट सीट में होने वाली है, इसके बाद मे भी क्या पता आज शाम तक या आज मॉर्निंग ही उनको कुछ नोटिफिकेशन कॉलेजेस को दे दे, जैसे कुछ भी नोटिफिकेशन देंगे या कट ऑफ देंगे मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको बिल्कुल होप नहीं छोड़नी है, मैं जो भी बात यहाँ पे बताऊंगा आपको जेन्युइनली बताऊंगा, आई होप आपका डाउट मैंने क्लियर कर दूंगा। बाकी स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूज है इसके रिगार्डिंग, जो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे जो वेटेज है आपका बिल्कुल इस बार काउंट नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और एंटी रैगिंग वाला में जो भी डाउट है, काफ़ी स्टूडेंट एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग डाउट है, देखो स्टूडेंट जो एंटी रैगिंग का जो फॉर्मेट है या तो आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस प्रोवाइड करेगा या यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बीएड पाठ्यक्रम पूर्णता है तो अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वयं का घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर, तो ये आपको फॉर्मेट आपको कॉलेजेस वाले ही प्रोवाइड करेंगे। फिर वो उन पर डिपेंड करता है कि या तो आपको सेल्फ अटेस्टेड ही कराएंगे या नोटरी के द्वारा आपको बनाएंगे, टोटल डिपेंडेंट आपके कॉलेजेस पर करता है। जो नवीनतम जो आपके राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग आपकी बहुत क्वेरी आ रही थी, तो मैं बार बार आपको वीडियो में बता रहा हूँ इसका जो फॉर्मेट है मैंने कल की वीडियो में आपको दिखा दिया है, जिन स्टूडेंट को नहीं हो फॉर्मेट पता हो मेरी कल की वीडियो देखें। और जो राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं, पहला फॉर्मेट आपको जहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे CMO के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहीं के द्वारा आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो पर्टिकुलर कॉलेजेस से, चाहे आपने UG का कोर्स किया होगा PG कोर्सेस किया होगा, उस डिपार्टमेंट से आप उनके साइन विद स्टैम्प ले सकते हैं। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और माइग्रेशन के रिगार्डिंग देखो स्टूडेंट, अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो वो वहाँ पे आपको टाइम 15 दिन का दे देते हैं, बिल्कुल आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे पास माइग्रेशन नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि OBC के लिए नॉन क्रिमिनल ईयर क्या होता है, नॉन क्रिमिनल ईयर का मतलब होता है अगर आपके फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, तभी आपको OBC का बेनिफिट मिलता है। आई होप मैंने आपका डाउट सारा क्लियर कर दिया है। और जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट में, उनके लिए आज अंतिम मौका है एडमिशन के रिगार्डिंग, और देख सकते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के क्या बुरे हाल है यहाँ पे, देखो एक डाक चाहे वो गोपेश्वर की बात करें चाहे आप कोटद्वार की बात करें, जो इनके लिए एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई थी इनकी कॉलेज वालों ने ही इनके लिए नोटिफिकेशन निकाली है, यूनिवर्सिटी के द्वारा एक भी अपडेट आपको वेबसाइट में नहीं मिला, इतनी बकवास यूनिवर्सिटी आज, बिल्कुल जो भी बोलूँगा सच्चे दिल से बोलूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, इतने बुरे हाल है यूनिवर्सिटी के आप खुद देख सकते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे, उन्होंने मजाक बना रखा बीएड को, इतने बड़ा कोर्सेज बीएड का होता है, सबसे बड़ा कोर्स मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में बीएड ही है, और इतने बुरे हाल है आप देख सकते हैं, तो बाकी कोर्सेज क्या हाल होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इनको बेचारों को छुट्टी का खूब ध्यान रहता है, यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन फॉर होलीडे का इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन बीएड के रिगार्डिंग दूर दूर से इनको कोई कनेक्शन नहीं है। और जो ये जो यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन में पढ़ा के दी है, ये नोटिफिकेशन मुझे एक स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया कि उनके पर्टिकुलर कॉलेजेस में ये लिस्ट, ये जो नोटिफिकेशन है उनके टीचर्स ने उनको प्रोवाइड किया, तो देख सकते हैं आप यूनिवर्सिटी के क्या हाल है, कहीं नोटिफिकेशन दे रही है कहीं किसी कॉलेज में, तो उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, मेरे RCPG कॉलेज वालों को तो उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पे हालत आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल जैसे कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं वादा करता हूँ अगर आपके लिए कल तक कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं आता है तो पूरा गुस्सा मैं कल यूनिवर्सिटी पर निकालूंगा, वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने बोल दिया वेट कर लो आज, और जो एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट है आपके, जिनको स्टेट कोटा की सीट प्रोवाइड हो गई है वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट क्वेरी है
उसके रिगार्डिंग कि सर जो प्राइवेट कॉलेजेस हमें अलॉटेड हुआ है वो स्टेट कोटा अलॉटेड हुआ है या मैनेजमेंट, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पर्टिकुलर कॉलेजेस जो आपको अलॉटेड हुआ वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं कि मुझे इस नंबर पे कौन सी सीट अलॉटेड हुई है। अगर स्टेट कोटा की सीट अलॉटेड हुई है देन डेफिनेटली वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट की सीट अलॉटेड हुई तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग 25 नवंबर के बाद होगी। जितने भी यहाँ पे क्वेरी है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग मैं कल यूनिवर्सिटी से बात कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको एक अनदर वीडियो के लिए, तब तक के लिए और अपना लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।